मान लो ये सर्किट है अपना, ठीक है, इसमें हम लोग को किरचॉफ लॉ लगाना है, इसमें हम लोग को किरचॉफ लॉ लगाना है। सबसे पहला हमारा काम में क्या बोला था, सबसे पहला काम हम लोग करना था कि हम लोग इसमें करंट मार्क करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता, कोई भी सर्किट अगर मान लो सर्किट दिया हुआ जिसमें एक ईएमएफ है, यहां पे एक ईएमएफ है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, अब इसको हम लोग ओम्स लॉ से सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में है, कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं। और जो ये अपना वो भी है दो, जो अपने पास क्या है ये अपने ईएमएफ है ना, ये ईएमएफ भी क्या किसमें कैसे ऐड होंगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ का सबसे पहला काम अपन लोग करते हैं, सबसे पहला काम करने क्या बोला था, सबसे पहले बोला था कि करंट मार्क कर लेते पूरे जितने भी सर्किट है, हर एक एलिमेंट में करंट पहुंचना चाहिए, ऐसे हम लोग करंट मार्क कर लेते। चलो करंट मार्क किया अपन लोग, यहाँ पे हो गया मान लो आई वन करंट, ई वन जो ईएमएफ सोर्स है उसके कारण, जो वोल्टेज सोर्स ई वन है उसके कारण कौन सा करंट आएगा, आई वन करंट आएगा, ई वन के कारण आई वन करंट आएगा, ठीक है, ओके। ई टू के कारण क्या आएगा बताओ आपको, ई टू के कारण आएगा यहाँ पे आई टू करंट। अब इस जंक्शन पे काम करो, फोकस करो, इस जंक्शन पे काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोकस करना। देखो इधर से आई वन करंट आया, इधर से आई टू करंट आया, ठीक है, इधर से कोई करंट जाएगा, करंट एंट्री इज इक्वल टू करंट लीविंग होगा, ठीक है। इस जंक्शन पे फोकस करेंगे अगर तुम लोग, इधर साइड वन करंट आ रहा है, इधर साइड टू करंट आ रहा है, तो टोटल करंट यहां से क्या होगा, आई वन प्लस आई टू, ठीक है, आई वन प्लस आई टू यहां पे करंट फ्लो होगा, है कि नहीं। चलो अब यही करंट क्या जाएगा, इधर से जाएगा पूरा इधर से जाएगा, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर यहां पे डिवाइड होगा। अब देखो यहां पे से मान लो आई वन प्लस आई टू करंट आ रहा है, क्योंकि सीरीज में जैसे पूरा सेम करंट आया है कि I1 प्लस I2 करंट मान लो आ रहा। अब ये करंट क्या होगा, फिर यहां से डिवाइड होगा। अब जो I2 करंट यहां से आया था वही I2 करंट इसके अंदर चले जाएगा, और ये वाला जो I1 करंट है वो इधर चले जाएगा। अब इससे कितना करंट जाएगा, I1 करंट। देखो पूरे सर्किट के हर एलिमेंट में करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया कि नहीं, इतना हम लोग को समझ आ गया। चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग पोटेंशियल की पोलैरिटी ना वो कर लेते हैं, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, मान लो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ठीक है। चलो इतना काम भी हो गया है ना, अपने अपना काम बहुत आसान बना लिया। अब अगला अपना काम था क्या, अपने को काम था अपन लोग को इसको लूप लेना था। चलो लूप लेके देखते हैं एक बार, है कि मैं लूप ले रहा हूं ऐसा, इसको थोड़ा नीचे ना लेता मैं, ठीक है, लूप में लिया इसको ऐसा, और यहां पे लूप लिया मैं ऐसा, मतलब इस डायरेक्शन में लूप लिया, कैसे किया मैं, इस डायरेक्शन में लूप लिया, इसमें भी लूप लिया, ठीक है। अब मान लो हो गया मेरे यहाँ लूप वन, वाला हो गया लूप टू। देखो लूप कहाँ कहाँ बनेगा, अब लूप बनने का एक मैं कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन क्या, वो जो पाथ है वो क्लोज होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो कोई ओपन सर्किटेड होता है या फिर यहाँ पे कोई वायर नहीं होता तो उसको मैं लूप नहीं कंसिडर कर सकता, ठीक है। वो क्या सर्किट क्या है, क्लोज होना चाहिए, एक अलग से उसके अंदर एक राउंड बने, इसके अंदर भी एक राउंड बने, है कि नहीं, है ना। जैसे करंट यहाँ से निकले और ऐसे करके एंटर हो जाए, यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे चले जाए, ठीक है, इतना आ गया। अब मेरा डायग्राम वाला पार्ट था जितना है वो कंप्लीट हो चुका है, लूप भी हम लोग कर लिए है ना, हम करंट भी कर लिए, सारी चीजें अपन लोग कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम लूप वन। पहले लूप के बारे में हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ध्यान रखना पहले लूप को लेते गए आप लोग का डाउट यहां पर आता ही है, ठीक है, कि पहले लूप को लेते टाइम लूप सर क्या सेकंड लूप इफेक्ट करेगा, नहीं, सेकंड लूप कभी भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा पहले लूप के कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। जब तक के पहला लूप में काम कर रहे हैं तो नीचे के लूप का, नीचे के लूप में अभी कौन-कौन सा वर्ड, कौन-कौन सी चीज आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये वाला, लेकिन ये वाला जो लूप है, ये वाला जो ब्रांच है वो कॉमन ब्रांच है, मतलब इस लूप में कौन कौन सी चीज काम आ रही है, इसी चीजों का इक्वेशन बनेगा, आर वन का, ई वन का, आई वन का, आई टू का यहाँ पे, और आई टू का, ई टू का, और यहाँ पे, मतलब इन सारी चीजों का हम लोग काम आएगा लूप वन में, ठीक है। तो चलो हम लोग को अपने को इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है, आसानी से इसका इक्वेशन लिख देते हैं, बहुत आसान है, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना। देखो ये करंट है, मैं यहां से चलना चालू करता हूं, मैं इस रेजिस्टेंस के एंड से चलना चालू करता हूं, मेरे को लूप ऐसा लिखना है, ठीक है। यहां से चालू कर किया, चला यहां से चालू किया तो मैं कहां गया, सबसे पहले माइनस मेरे पास पहुंचा, माइनस से मैं प्लस गया, ठीक है, माइनस से मैं प्लस गया, तो क्या बोला था मैं, कभी भी यहां पर साइन कन्वेंशन देख लो, माइनस टू प्लस, अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आती है तो ईएमएफ का जो साइन रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस टू माइनस जाएगी तो क्या होगा, ईएमएफ
निगेटिव, ठीक है, प्लस टू माइनस जाएगा तो ई एम एफ निगेटिव। और क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता पीडी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा पीडी लिख लूंगा, ठीक है, पीडी इज इक्वल टू क्या होता निगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, लूप इन द डायरेक्शन था ना तो निगेटिव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। अब लूप अपोजिट तो क्या होगा पीडी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इस वाले सर्किट के बारे में लेता हूं, मैं कहां से गया माइनस से प्लस गया, तो माइनस से प्लस में ईएमएफ क्या होता है प्लस होता है, माइनस से प्लस में ईएमएफ क्या होता है प्लस होता है कि नहीं, चलो लिख देता हूं ई वन प्लस में आ गया, ठीक है। अब दूसरा मैं घुमा यहां से घुमा घुमा, यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहा, कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर है कि घुमा घुमा मेरे को मिला ई टू, ई टू मिला। अब ई टू का मैं कहां से कहां जा रहा हूं प्लस से माइनस जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं प्लस से माइनस जा रहा हूं, प्लस से माइनस है कि माइनस ई टू, प्लस से माइनस ई टू, चलो ठीक है। उसके आगे, अब उसके आगे देखो, ठीक है, अब यहां पे इस वाले लूप में देखो यहां पे, ठीक है, उसके बाद अभी वाला तो क्रॉस हो गया, ये पहुंच गया था, मैं पहुंचा कहां पे रेजिस्टेंस के पास, देखो रेजिस्टेंस में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था रेजिस्टेंस, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, और लूप कैसे आ रहा ऑपोजिट, लूप जा रहा था कैसा ऑपोजिट, तो लूप जा रहा था ऑपोजिट, तो हम लोगों को क्या कहा था लूप ऑपोजिट रहता तो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है आई टू, और रेजिस्टेंस कितना है आर टू, लिख सकता हूं ऐसा मैं, ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आई आर होगा ना, बी इक्वल टू आई आर, एकदम बेसिक है कि नहीं, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू ये लिखा। चलो आगे आगे बड़ा 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 मैं इधर से बोल दूं क्या, इधर नीचे जाना नहीं होता है, दूसरे लूप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर जाना ऊपर गया मुड़ा इधर गया, ठीक है, तो मेरे को क्या मिला रेजिस्टेंस मिला, मेरे क्या मिला रेजिस्टेंस मिला है कि नहीं, रेजिस्टेंस पर मेरे को कहां मिल रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव के डायरेक्शन मिल रहा है, सॉरी या फिर लूप के डायरेक्शन मिल रहा है, किसके डायरेक्शन मिल रहा है लूप के डायरेक्शन मिल रहा है, लूप यहां से वहां तक कैसे जा रहा है इधर से ऐसे जा रहा है, करंट भी उधर जा रहा है और लूप भी उधर जा रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आई वन और रेजिस्टेंस कौन सा है आर वन, इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया है कि। चलो अगला अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये एक लूप की कहानी खत्म होगा, पहले लूप की कहानी खत्म, दूसरे लूप की कहानी फ्रॉम लूप टू, दूसरे लूप की कहानी। अब लूप टू में चलो यहां से चलते हैं, चलना चालू करते हैं कहां से यहां पे से, ठीक है। अब मैं लूप टू में ऐसे जाऊंगा पहले, फिर ऐसे जाऊंगा पहले, फिर ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, एक लूप खत्म हो गया कि पूरे एक चक्कर मार के फिर वहां वापस आ गया। चलो यहां शुरू हुआ, मेरे को मिला पहले माइनस फिर प्लस, मतलब मैं जहां कहां से आ रहा हूं माइनस से प्लस की ओर मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। माइनस से प्लस की ओर जब भी मैं बढ़ता हूं तो मैं क्या लिखता हूं उसको, मैं हमेशा क्या लिखता हूं उसको, हमेशा मैं ई वन लिखता हूं। चलो ई वन लिख दिया, मैं काम करता हूं ई वन लिख दिया, ठीक है, पॉजिटिव में ईवन ले लिया है कि। अब देखो इधर जैसे बड़ा 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 इधर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है आर के पास में, आर थ्री के पास में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। अब इसमें करंट कौन सा फ्लो रहा था, टोटल करंट यहाँ पे कौन सा फ्लो रहा था आई वन प्लस आई टू करंट फ्लो रहा था, आई वन प्लस आई टू करंट फ्लो रहा था, इधर से भी आने वाला है इधर से भी आने वाला, ठीक है। तो इसे आई वन प्लस आई टू करंट फ्लो हो रहा है वो जा रहा है आर थ्री के पास, ठीक है। लूप भी इसी डायरेक्शन में है, लूप भी देखो इसी डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जा रहा है, चलो जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं दोनों जब सेम डायरेक्शन में होगा क्या होता है निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री, ठीक है, इंटू क्या हो गया आर थ्री रेजिस्टेंस, टोटल करेंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं गया ऊपर 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 ऊपर, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिला, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, मिल गया पोटेंशियल ड्रॉप, मिल गया मेरे को आई टू, आई टू में जैसे पहुंचा मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, ये वाला करंट इधर ही जा रहा है, लूप भी मेरे कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसी कारण शुरू में करंट पूरा हर जगह नेम कर देने के लिए बोल दिया, ठीक है ना, इसी कारण लूप भी कैसे जा रहा है
यहां से घूम के ऐसे जा रहा है, यहां से घूम के ऐसे जा रहा है कि नहीं। यहां पे I2 इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ I2 इनटू R2 इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये इक्वेशन होती है किरचॉफ लॉ की। अब इसमें देखो आप लोगों को क्या दिया रहेगा, E1 E2 दिया रहेगा, R1 R2 R3 सारे सारे दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर निकालना रहेगा तो I1 I2 ऐसे ऐसे कुछ निकालना रहेगा, वो अपन लोग क्वेश्चन करते करते देख लेंगे। लेकिन ये अगर एक बेसिक सा सर्किट अगर कोई है तो उसका अगर KCL इक्वेशन है, फिर KVL इक्वेशन अगर मैं उसको बोलूं तो ये पहले रूप का KVL इक्वेशन है, ये वाला दूसरे रूप का KVL इक्वेशन है। अगर किरचॉफ लॉ का किसी सर्किट को आपको अगर बनाने बोल रहा है तो आप जैसा मेथड इसमें हुआ है वैसे ही सर्किट के अकॉर्डिंग आप लोग उसमें अपना अपना एफर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अपना अपना उसमें जैसे जैसे बनेगा वैसे डाल सकते हैं। आपको साइन कन्वेंशन जो आप शॉर्ट में लिखा के रखूँ ताकि आपको देखते बने, है कि नहीं। वो साइन कन्वेंशन अपन नया लेते हैं, इसके बाद अपन इसके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको क्या है ना थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है।